एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। कुछ देश अपने पुराने रवैये से बाहर ही नहीं आ रहे हैं और इनमें से एक है कनाडा। कनाडा के पीएम इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से कदम उठा रहे हैं सुनकर आपको हैरानी होगी। तो वहीं आपको बता दें, कनाडा की स्पीकर भारत की एक खास मीटिंग में आने वाली थी, लेकिन इन्होंने आने से मना कर दिया। अब आप सोचेंगे कि मना करके भारत के प्रति अपना गुस्सा दिखाया होगा। जी नहीं, इन्होंने डर कर मना किया, क्योंकि उनके आने से ठीक पहले भारत ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया, इन्हें लगा कि जो चीज हम G20 में करने वाले थे वही चीज अब भारत हमारे साथ करेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा का भंडा भी फोड़ हो रहा है और हमास और पन्नू को लेकर इस बार कनाडा फंस गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार ना इजराइल और फलस्तीन का, गाजा का, हमास का, ये जो भी युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में ना दुनिया का एक नजरिया बदला हुआ है, कई सारे देशों का, जो सच्चाई है। और ये नजरिया क्या बदला हुआ है कि दुनिया के कई ऐसे देश जो पहले नहीं आते थे, इस मामले में नहीं पढ़ते थे, बयान नहीं देते थे, हमास के तरीकों को देखकर बहुत सारे देश हैं जो इजराइल के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और हमास ने जो किया उसे उन्होंने गलत ठहरा दिया। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये देखिए कि ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमास से संबंधित जितने खाते हैं उनको उड़ा दिया गया सोशल मीडिया से, और कहा गया कि देखो यहाँ पर घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये हमास के प्रति एलन मस्क का विरोध दिखता है और इसराइल के प्रति समर्थन दिखता है। वहीं कनाडा में हिंदू और यहूदियों का एक ग्रुप इसराइल और भारत का समर्थन और एकता को दिखलाते हुए इसराइल के समर्थन में प्रदर्शन के लिए निकलता है। कनाडा में फिलिस्तीन का भी ग्रुप प्रदर्शन के लिए निकलता है फिलिस्तीन के सपोर्ट में। जहां ये सारी चीजें हो रही थी तो वहीं पन्नू बीच में टपक पड़ता है और ये एक बयान दे देता है। इस बयान में कहा जा रहा है कि इसने कथित तौर पर हमास का समर्थन कर दिया। अब हमास के इस समर्थन को लेकर जो हिंदू फोरम है कनाडा में, उसने कनाडा की सरकार से मांग कर लिया कि देखो ये हमास का समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कहा गया, कुछ मीडिया हाउस में ये भी खबरें निकली कि पन्नू ने ये कहा कि हमास की ही तरह भारत पर भी हमला होगा। अब ये सारे बयान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पन्नू पूरी तरीके से हमास का समर्थन कर रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, हिंदू फोरम ने कनाडा की सरकार से कहा कि इस पर कार्रवाई करो। अब कुछ चीजें हैं अपने आप दुनिया के सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, इन दिनों खबर ये आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कनाडा में अब एक नए पोस्टर लगने शुरू हुए हैं और इन पोस्टर में वॉन्टेड नाम दिया गया है डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, संजय कुमार, इन सब का। यानी जयशंकर और पीएम मोदी, इनके ऊपर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत है, ये बात महसूस की गई भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, खुलेआम हो रहा है कनाडा में, पोस्टर लग रहे हैं खुलेआम, पत्रिकाओं में आ रहा है, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। और इन सब के बीच में क्या होता है, कनाडा के जो पीएम है, एक तरफ यूएई जॉर्डन को फोन करते हैं, दूसरी तरफ इनकी जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहती हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, प्राइवेट तौर पर बात करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से ये मीटिंग कथित तौर पर कराया जाता है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस न्यूज को, जिसमें कहा जाता है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री मेलिना जोली मिलती हैं और मिलने के बाद क्या बातें होते हैं इस मामले में दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता है। चूंकि ये प्राइवेट मीटिंग थी तो इस मीटिंग की जो रिपोर्ट है वो लीक नहीं की गई। अब यहाँ ये मीटिंग होता है और उधर पीएम जॉर्डन को फोन करते हैं, जो कनाडा के पीएम है, और कहते हैं देखो ये तो नियमों की बात है ना, हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है ये तो ठीक नहीं है ना। भारत के दोस्त देशों को फोन करते हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, यूएई को भी फोन करते हैं, मतलब ये दोस्तों से भारत के ऊपर दबाव बनवाना चाहते हैं। किस चीज का दबाव? कि आप राजनयिकों को मत निकालो,
शुरुआत तो आपने की थी। कनाडा ने यहाँ तक जिक्र कर दिया कि देखो वियना कन्वेंशन के तहत हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं और हमारे राजदूतों को सुरक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि डेडलाइन तो पार हो रही है, अभी बहुत सारे राजदूत बाकी हैं जिनको निकालना और नई जगह में पोस्ट करना आसान नहीं है। भारत ने तो एक डेडलाइन दे दी है। तो आपको बता दें, कनाडा के द्वारा वियना कन्वेंशन की बात हो रही है और इन सब के बीच में एक खबर आती है और वो खबर क्या थी कि भारत में P20 की मीटिंग आयोजित की जा रही है। अब ये P20 क्या है? G20 के जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स हैं उनकी मीटिंग P20। इस मीटिंग में कनाडा ने कहा, हाँ जी हम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस मीटिंग में हमारी तरफ से हाँ है। लेकिन अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कनाडा की पार्लियामेंट की स्पीकर नहीं आ रही हैं। इनका कहना है कि नहीं जी हम अभी नहीं आ रहे हैं। कारण पूछा गया, क्यों नहीं आ रहे हो? कारण कुछ भी नहीं बताया गया कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कनाडा की मिनिस्ट्री ने इस बात को साफ नहीं किया और कहा, अब अचानक से पार्लियामेंट की स्पीकर ने आने से मना क्यों कर दिया? तो आपको बता दें, जब G20 हो रहा था ना, तब समझ लीजिए कि कनाडा के PM के ऊपर ये कहा जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग गजब की थी और इस गजब की प्लानिंग में पूरा का पूरा G20 सम्मेलन खराब हो जाता। पता नहीं क्या सोचकर कनाडा के PM ने ऐसा कुछ प्लान किया था। जब उस समय मीडिया में खबरें आई उसमें ये कहा गया कि कनाडा के PM जब G20 मीटिंग के लिए भारत आए थे तो उन्होंने G7 देशों के साथ मुलाकात की थी और ये कहा था कि हमारा निज्जर का जो मामला है उस मामले को G20 में ही उठाएंगे। और आप जरा सोचिए कि एक तो पहले से रूस यूक्रेन को लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं निकल रहा था, ऊपर से कनाडा इस मुद्दे को G20 में उठाना चाहता था, जो G20 भारत बहुत ही बढ़िया तरीके से आयोजन कर रहा था और इसके लिए भारत ने अच्छा खासा खर्च भी किया और वो खर्च भारत को कई सारी उम्मीदें लेकर आ रहा था कि हाँ भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसे खराब करने की पूरी प्लानिंग थी कनाडा के PM के पास कि G7 देशों ने हाँ नहीं कहा, जिसके बाद रूठे हुए कनाडा के PM वापस घर जाकर अपने संसद में जाकर उन्होंने उगल दिया और रायते को फैला दिया। G20 में जो कनाडा करना चाहता था, क्या वही चीज भारत P20 में करना चाहता था? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इनके आने से पहले, कनाडा की जो स्पीकर थी उनके आने से पहले ही भारत के स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा कि हम सारे इशू कनाडा के साथ P20 में उठाएंगे। अब ये P20 में बायलेटरल उठाते, दो पक्षीय बातचीत होती या सबके सामने होती, ये तो साफ नहीं है, लेकिन इरादे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सबके सामने ही ये बातचीत होती। स्क्रीन पर जो आर्टिकल है उसके हिसाब से यही लग रहा है। अब सबके सामने होती तो कनाडा जवाब नहीं दे पाता, यही वजह है कहा जा रहा है कनाडा ने इसी में भलाई समझी कि इस मीटिंग में शामिल ही नहीं होना है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।